प्रणाम महाराज, मेरा नाम ज्ञानवती है। ज्ञानवती? अच्छा, तो ज्ञान दोगी या ज्ञान लोगी? मैं जानती हूँ राजन कि आप मेरे मना करने पर भी वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। निर्णय ही तो करता चला आ रहा हूँ। उदास ना हो राजन, आज की कहानी कला से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि आपको कला की परख तो जरूर ही होगी। हमारी पीढ़ी तो कला की अच्छी पारखी रही है देवी। तुम कहानी सुनाओ, आज तो मैं सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा, पक्का बैठ जाऊंगा। तो सुनिए, एक दिन राजा विक्रमादित्य ध्यान लगाने के लिए वन में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि अपनी अपनी विद्या में दो कुशल महान पंडित आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों पंडित लड़ क्यों रहे हैं? हमें पास जाकर सुनना चाहिए, वो भी अदृश्य होकर। जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। ये हिरण की हड्डी है और इसे मरे हुए 4 वर्ष हो गए हैं। हाँ हाँ, पर मैं कैसे मालूम कि ये हिरण की ही हड्डी है? अच्छा तो एक काम करो, उस हिरण को बुलाकर पूछ लो कि ये उसकी हड्डी है या नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम स्वर्ग से अपने माता पिता को बुलाकर पूछो कि तुम अपने माता पिता के पुत्र हो या नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो मर गए, फिर वापस कैसे आएंगे? अरे मूर्ख, वैसे ही जैसे हिरण को बुलाकर पूछेगा। हाँ हाँ, पर मुझे क्या पता कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे प्रमाण चाहिए। ओह, तो उसमें परेशानी क्या है? हम किसी भी व्यक्ति के हाथ और पैर की रेखाएं देखकर उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल बता सकते हैं। अच्छा, तो तुम जरा मेरा हाथ देखकर बताओगे कि मेरा भविष्य कैसा है? बेटे, तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो। ठीक है ठीक है, हा? मुझे नहीं दिखाना है। ये देख, ये पांव का निशान है। आगे बोलो। तो तुझे इन निशानों के बीच एक कमल की आकृति भी दिख रही होगी। हाँ, तो ये पैर किसी साधारण मानव के नहीं, बल्कि किसी राजा के होने चाहिए। राजा के? वो भी यहाँ और नंगे? यहाँ से कोई न कोई राजा अवश्य ही नंगे पांव चलकर गया है। चलो, हम निशान के साथ साथ चलते हैं। चलो। वो रहा। कौन? राजा? अरे ये तो कोई लकड़हारा है। ए भाई, तुम कौन हो? दिखता नहीं, लकड़हारा हूँ भाई। लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम मोहनदास है। मोहनदास? क्यों, क्या हुआ? क्या यही तुम्हारा राजा है? भाई, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? क्या तुमने किसी मनुष्य को इधर से जाते देखा है? मैं तो यहाँ सूरज उगने से पहले आया हूँ, परंतु मुझे मनुष्य तो दूर कोई जानवर भी नहीं दिखाई दिया। जरा अपना पाँव तो दिखाओ। मैं अपना पाँव क्यों दिखाऊं? अरे भाई, जरा दिखाओ तो सही। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या करते हो? देख, देखा देखा, ये कमल का निशान, मुझे तो यही राजा लगता है। अगर राजा होता तो ये लकड़ी बीनता क्या? अरे भाई, सच बताओ, तुम लकड़हारा ही हो? हाँ, मैं लकड़हारा ही हूँ। ऐसी बात नहीं, तुम रहते कहाँ हो? घर में।
मेरा मतलब है कौन से नगर में रहते हो? उज्जैन नगर में रहता हूँ। मेरे पिता भी यही काम करते थे, मेरे दादा भी यही काम करते थे, और मैंने भी जब से होश संभाला है यही काम कर रहा हूँ। और अगर अब तुमने ज्यादा बकवास की ना, तो इसी लकड़ी से पीट पीट के बुरा हाल कर दूंगा। क्या क्या हुआ? सारा ज्योतिष ज्ञान उड़ गया ना हवा में? अरे वो तो अच्छा हुआ कि भाग गए, अरे वरना हमारे तोते उड़ गए होते। ये बात मैं कैसे मान लूं? ये लक्षण इतना प्रबल है कि इसका प्रमाण साधारण पुस्तक में भी मिल जाएगा। चलो मैंने ये मान लिया। अरे लेकिन तुम तो ज्योतिषी हो, फिर ये कैसे हुआ? भाई पुस्तक के आधार पर मैंने ऐसा कहा था। अब मुझे प्रमाण के लिए एक पांव और देखना होगा। अगर वो पांव भी गलत हुआ तो सभी पुस्तकों को जलाकर राख कर दूंगा। मित्र मुझे थोड़ा समय और दो। किस बात के लिए? मेरे साथ उज्जैन नगर चलो, मैं राजा विक्रमादित्य के पैर देखना चाहता हूँ। चलो मुझे क्या। दोनों पंडित राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाते हैं। महाराज आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपने तलवे दिखाएं। ये नहीं हो सकता, मेरा ज्ञान झूठा है। महाराज मेरे ज्ञान के अनुसार आपके पैर में कमल की आकृति होनी चाहिए। हम समझे नहीं। महाराज कमल के निशान राजा के तलवों पर होता है जो आपके है नहीं, और हमने एक लकड़हारे के पैर देखे तो उसके पैर में कमल का निशान था। तो अब क्या कहना है? यही महाराज कि मेरा ज्ञान बेकार है, मैं सारी पुस्तकें जला दूंगा। रुको ब्राह्मण देवता, जंगल में तुमने जिस लकड़हारे के पैर देखे थे वो हम ही थे। क्या? मैंने कहा था ना तुम अपनी विद्या के संशय में पड़ गए, तो हमने सोचा कि तुम्हारा भ्रम दूर किया जाए, इसलिए हमने तलवों पर नकली परत लगाई थी। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है ब्राह्मण देवता। अधूरा? हाँ, क्योंकि जिनके पास ज्ञान पूरा होता है उन्हें परीक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी इस तरह का ज्ञान किसी ज्ञानी को दिया है? ज्ञान जब तुम्हारी कहानी से फुर्सत मिले तब ना ज्ञान लूं। जब मैं खुद ही ज्ञान नहीं ले पाया तो दूसरों को क्या ज्ञान दूंगा? तो फिर आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं। लेकिन मैं फिर आऊंगा। क्यों? ज्ञान लेने? नहीं, सिंहासन पर बैठने। जाइए जाइए। ज्ञान दूंगा। मैं फिर आऊंगा। राम राजा भोज, मेरा नाम चंद्र ज्योति है। हमारे राज्य में बहुत प्रकाश है, हमें किसी ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं। भले ही आपके राज्य में प्रकाश हो, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपको इस चंद्र ज्योति का सहारा लेना ही होगा। तुम क्या दोगी सहारा, फिर वापस भेज दोगी दोबारा? क्यों, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं? भरोसा न होता तो आता ही क्यों? तो मैं आपको विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुन सुन कर मेरा पानी खत्म होने लगा है। एक बार राजा विक्रमादित्य यज्ञ कराना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी कि उस यज्ञ में चंद्र देवता पधार कर उन्हें आशीर्वाद दें। है दरबारियों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम यज्ञ कराना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस यज्ञ में स्वयं चंद्र देवता पधार कर आशीर्वाद दें। ये तो बहुत ही शुभ विचार है,
परंतु चंद्र देवता। हाँ, और हम चाहते हैं कि स्वयं महामंत्री चंद्र देवता तक ये निमंत्रण पहुंचाने का कार्यभार संभाले। महाराज की जय हो। महामंत्री, ये आपका सेवक आपसे शायद कुछ कहना चाहता है। महाराज, आपसे कुछ समय के लिए इजाजत चाहता हूँ। ठीक है सेवक, महामंत्री कुछ परेशान से दिख रहे हैं, क्या बात है? महाराज, उनकी इकलौती पुत्री बीमार है। बीमार? तो उसका इलाज कराना चाहिए। उसका इलाज किसी की समझ में नहीं आ रहा। कोई तो दवा होगी। एक इलाज है महाराज। क्या इलाज है वैद्यराज? स्वांग बूटी महाराज, यही वो इलाज है जिससे बच्ची को बचाया जा सकता है। तो फिर परेशानी क्या है? महाराज, ये बूटी पाना आसान नहीं, ये रत्नागिरी की घाटियों में मिलती है, जहाँ भयानक जंगली जानवर और प्रेत आत्माओं का वास है। आज तक कोई भी मानव इस बूटी को नहीं ला सका महाराज। हम उस बूटी को लाएंगे वैद्यराज। महाराज, हमारे पास समय कम है और वहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लगते हैं। वैद्यराज, हम समय से पहले यहाँ आ जाएंगे, आप सिर्फ उस बूटी की पहचान बताएं। महाराज, उसके फूलों का रंग आधा नीला और आधा पीला होता है, वो कटीली झाड़ी के रूप में होता है। उसके पत्ते लाजवंती के पत्तों की तरह छूने से मुरझा जाते हैं। महामंत्री से कहना कि विक्रमादित्य के होते हुए उनकी पुत्री को कुछ नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य राजमहल से बाहर आकर सुनसान जगह पर खड़े हो गए। वेतालो, उपस्थित हो। महाराज की जय। महाराज की जय। इसे क्या हुआ? महाराज, ये संगीत सीख रहा है। तुम्हें मालूम है लोग तुम्हें वेताल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी सुर ताल में नहीं गा सकते, इसलिए तुम वेताल हो, बेताल हो। अब हमारी बात सुनो, हमें रत्नागिरी की घाटी में जाना है। जाना इतना आसान होता तो तुम्हें क्यों बुलाते हैं? हम आपको पहुंचा देंगे, लेकिन एक शर्त पर, मेरा गाना सुनना पड़ेगा। गाना? ठीक है। ओ मेरे, हे ईश्वर, ना जाने कब तक ये बेसुरा राग सुनना पड़ेगा। ये लीजिए महाराज, आ गई आपकी रत्नागिरी घाटी। तो ये है रत्नागिरी। कहाँ है शेर का बच्चा? बस बस, बहुत हुआ, अपनी ये बहादुरी अगले शेर को दिखा। अगला शेर? हाँ हाँ, चलो अब। मुझे पीछे कौन खींच रहा है? अब क्या होगा? बिना उजाले के हम बूटी कैसे ढूंढेंगे? काश काश चंद्रमा निकल आता तो उसकी रोशनी में हम बूटी ढूंढ लेते। प्रणाम चंद्रदेव, कहाँ होगी बूटी? हाँ, यही है सुहाग बूटी, मिल गई। अरे ओहो, यहाँ तो बिच्छुओं का झुंड है। अभी बताता हूँ। है चंद्रदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना आते तो ये दिन भी हमारा व्यर्थ जाता। हे परोपकारी राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा ये कार्य
यज्ञ ही नहीं महायज्ञ से भी बढ़कर है। अब महामंत्री की पुत्री को इस बूटी की आवश्यकता नहीं। क्या इसका मतलब वो ठीक हो गई? नहीं, मेरा मतलब था कि उसे अब अमृत की आवश्यकता है। अमृत की आवश्यकता? क्या वो? हाँ राजन, वो मर चुकी है। ये अमृत इसे उसके मुंह में डाल देने वो जीवित हो जाएगी और ये बूटी अन्य के काम आएगी। धन्यवाद चंद्रदेव। राजन, तुमने मेरा दर्शन कर लिया है, अब तुम्हें मुझे यज्ञ में बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम यज्ञ प्रारंभ करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों वैतालों उपस्थित हो। महाराज की जय। हमें शीघ्र से शीघ्र राजमहल ले चलो। राजमहल यानी वापस चलिए। ये लीजिए वैद्यराज, ये अमृत की बूंदे पुत्री के मुंह में डाल दीजिए। दीजिए महाराज। पिताजी। मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई। महाराज आप धन्य हैं, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा महामंत्री, ये तो हमारा कर्तव्य है। तो राजा खोज, मुझे विश्वास है कि ये कार्य तो आपने जरूर किया होगा। किसी दरबारी के लिए अपना जीवन संकट में तो डाला ही होगा। मैं क्या किसी का संकट दूर करूंगा, मेरा खुद का संकट दूर नहीं हो रहा है। तो अब क्या विचार है राजा भोज? मैं दोबारा फिर आऊंगा, दोबारा फिर आऊंगा। कहानी दो कहानी, तीन कहानी, कहानी दो प्रणाम राजा भोज, मैं इस सिंहासन की 22वीं पुतली अनुरोधवती हूँ। आपको इस सिंहासन पर बैठना ही है तो राजा विक्रमादित्य जैसा बनना होगा। वो समय और था देवी, ये समय और है। ये समय राजा भोज का है, विक्रमादित्य का नहीं। तो राजा भोज, ये सिंहासन भी पहले के समय का है, आज के समय का नहीं। देवी, आप हमारा अपमान कर रही हैं। नहीं नहीं राजा भोज, मैं केवल विक्रमादित्य के गुणों का आदर कर रही हूँ। देवी, तो क्या आपको मुझ में कोई गुण दिखाई नहीं देता? राजा भोज, मैं आपको विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। माधव नाम का एक मेधावी और सर्वकला संपन्न युवक था। वो बहुत से राज्यों में जाकर काम कर चुका था, लेकिन अपनी स्पष्टवादिता के कारण वो निकाल दिया जाता था। अंत में उसने निर्णय किया कि वो राजा विक्रमादित्य के पास जाएगा। क्या बात है लड़के, यहाँ क्यों खड़ा है? मुझे महाराज से मिलना है। क्यों मिलना है? जी, मेरा नाम माधव है, मैं महाराज के पास काम के लिए आया हूँ। महाराज अभी नृत्य देख रहे हैं, तुम्हें इंतजार करना होगा। कैसे कला पारखी हैं? एक संगीतकार गलत वादन कर रहा है परंतु कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा। ये तो वही बात हो गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत बोल रहा है, नृत्य भवन में हमारे महाराज भी हैं, तूने उन्हें भी बंदर कहा? नहीं नहीं, मैंने तो संगीत को अदरक कहा था। हमारे महाराज से बड़ा कला पारखी कोई नहीं है। बता कहाँ गलती है।
मैं बताता हूँ, अंदर 16 संगीतकार वादन कर रहे हैं। पूरब दिशा में जो टुकड़ी है उनमें से एक संगीतकार गलत वादन कर रहा है। अगर तेरी बात झूठ निकली तो संगीतकार की औलाद तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। दंड कैसे मिलेगा, मैं सही कह रहा हूँ। बच्चे तुम क्या कह रहे थे? महाराज आपके संगीत सभा में एक तबला बजाने वाला गलत बजा रहा है। सभी संगीतकार एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और अपना हाथ आगे करें। तुम अपना हाथ दिखाओ। जी महाराज। अपना हाथ दिखाओ। तो तुम ही हो बालक, तुम वास्तव में कला पारखी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधव है महाराज, मैंने अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा ली है। आज से तुम हमारे महल में रहोगे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। माधव समय समय पर अपनी कलाओं से राजा को आश्चर्यचकित कर देता था और उनसे पुरस्कार पाता था। एक दिन महल में नृत्य का आयोजन किया गया। इस नृत्य में माधव भी उपस्थित था। वाह, तुम जितनी खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा कुशल नर्तकी हो। मैं तुम्हें ये माला पुरस्कार में देता हूँ। माधव, क्या तुम जानते नहीं कि इस नृत्य सभा में पुरस्कार सिर्फ महाराज दे सकते हैं? महाराज मैंने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु यदि मैं ऐसा न करता तो नर्तकी का सम्मान अधूरा होता, क्योंकि मैंने जो देखा वो और कोई नहीं देख पाया। ऐसा क्या देखा तुमने? महाराज नृत्य करते समय नर्तकी के वक्ष स्थल पर एक भवरा आकर बैठ गया था, परंतु नर्तकी ने बिना लय तोड़े जिस बुद्धि से भवरे को उड़ा दिया वो तारीफ के लायक है। हाँ महाराज। माधव हम तुम्हारे इस कला ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद महाराज। इस घटना के बाद माधव का सम्मान और भी बढ़ गया। राजा उसे अपने दरबारियों और नवरत्नों में बिठाने लगे। एक दिन दरबार में बहस छिड़ गई। क्या कोई हमें बता सकता है कि बुद्धि और संस्कार में से कौन बड़ा है? महाराज बुद्धि और संस्कार में बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों के ही अच्छे संस्कार हो सकते हैं। माधव तुम क्या कहते हो? महाराज पिछले जन्म में मनुष्य जो कर्म करता है भगवान वैसा ही उसका कर्म लिख देते हैं, और उसी कर्म के अनुसार मनुष्य की बुद्धि भी लिख देते हैं। ये कैसे हो सकता है? माधव का कथन सत्य है। मंत्री जी एक सुनसान जगह पर एक महल बनवाया जाए और उसमें गूंगी बहरी दाइयां रखी जाए। अपने राज्य के जितने भी नवजात शिशु हैं उन्हें वहां रखवा दीजिए। आज से दाइयां ही उनका पालन पोषण करेंगी। बारह वर्ष बीतने पर राजा विक्रमादित्य ने बच्चों को बुलाया। सबसे पहले वे अपने पुत्र के पास गए। कहो पुत्र कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल है पिताजी। इधर आओ पुत्र, तुम कुशल से तो हो ना? अरे महाराज कुशलता कैसी, यहाँ जो आता है उसे जाना तो पड़ता ही है। कहो बेटा तुम कैसे हो? अरे महाराज ठीक कैसे हो सकता हूँ, साले चोर चोरी करते हैं, बदनाम हम होते हैं। पुत्र तुम्हारा क्या हाल है? मनुष्य की आयु प्रत्येक दिन घटती है, फिर कुशलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उम्मीद है कि अब आप सब लोग माधव के उत्तर से सहमत होंगे। सुनिए, इस महल में सभी बालक अलग अलग परिवार के रखे हुए थे, जिनका पालन पोषण करने के लिए गूंगी बहरी दाइयां रखी हुई थी। इन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। इन्होंने अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल से जिस परिवार में जन्म लिया था वैसे ही इन्होंने बुद्धि प्राप्त की। इससे यही सिद्ध होता है कि माधव का कहना बिल्कुल सत्य है।
महाराज, वाकई माधव का कथन सत्य है। वाकई सत्य है। माधव, हम तुम्हारे ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं। ये लो मोतियों की मालाएं, हम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देते हैं। धन्यवाद महाराज। हमारे महाराज ज्ञानी लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। क्या आप में ऐसा गुण है? यदि है तो बताइए। नहीं देवी, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। जाइए राजा भोज, वापस चले जाइए। और महाराज विक्रमादित्य जैसे महान राजा बनने का सपना छोड़ दीजिए। जब कहानी राजा विक्रम के अजूबे याद दिला दी सबको।